साई सेवा आश्रम बर्मस्य स्थित साई धाम का 14वां वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में 108 महिलाओं और युवतियों ने कलश उठाया, जबकि यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। कलश यात्रा की शुरुआत साई मंदिर से हुई और शहर प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए उसरी नदी पहुंची। उसरी नदी से जल उठाने के बाद कलश यात्रा वापस साई मंदिर पहुंची। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति रस में डूबा रहा। बताया गया कि वार्षिक महोत्सव के अवसर पर साई धाम में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक साई धाम के वार्षिक महोत्सव के मौके पर लगातार 3 दिनों तक साई धाम परिसर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहेगा। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। बताया गया कि साई धाम में भगवान श्री कृष्ण के 15 रूप की मूर्तियां स्थापित की जाएगी। श्रद्धालु एक साथ साई धाम में श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का दर्शन कर पाएंगे। महोत्सव की समाप्ति 24 फरवरी को महाआरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा।